एक बार एक लड़की ग्रेजुएट होती है, पिताजी कहते हैं मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ है। वो उसे गैराज में ले जाते हैं और अपनी पुरानी, बहुत ही पुरानी कार निकाल के देते हैं। लड़की कहती है क्या ये मेरे लिए गिफ्ट है? पिताजी कहते हैं नहीं, बट इसमें एक सीख है, तुम इसे ऐसा करो कबाड़ वाले के पास लेके जाओ और देखो वो इसकी क्या कीमत बताते हैं। लड़की कबाड़ वाले के पास जाती है, कबाड़ वाला कहता है 1-2 हज़ार दे देंगे, कबाड़ी तो है। लड़की आती है, पिताजी को बताती है, पिताजी कहते हैं ठीक है अब तुम इसे कार के शोरूम में लेके जाओ जहाँ पे सेकंड हैंड कार खरीदी और बेची जाती है। लड़की शोरूम में ले जाती है, शोरूम वाले कहते हैं 1-1.5 लाख रुपया दे देंगे, पुरानी कार है पता नहीं चलेगी भी या नहीं। लड़की आती है, पिताजी को सेम चीज़ बता देती है, पिताजी कहते हैं ऐसा करो तुम इसे विंटेज कार क्लब में लेके जाओ जहाँ पे विंटेज गाड़ियों के बहुत सारे ओनर्स आते हैं और उनके पास बहुत सारी लग्जीरियस कार होती है, वो देखो इसकी क्या कीमत बताते हैं। लड़की जैसे ही ये कार विंटेज कार क्लब में लेके जाती है, लोगों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं क्योंकि वो एक ऐसी आइकॉनिक कार थी जिसके बहुत ही कम मॉडल मार्केट में आए थे और उसे परचेज करना अपने आप में एक सम्मान की बात थी। लोग उसकी मुँह मांगी कीमत देने को तैयार हो जाते हैं। कई बार हमारी कीमत नहीं की जाती ना तो हम लोग दुखी हो जाते हैं। तो गलती आपकी नहीं है, गलती जगह की है। चिंता मत कीजिए अगर कोई आपकी वैल्यू नहीं कर रहा, इसका मतलब ये है कि आप गलत जगह पर हैं। जगह बदल लीजिए।